शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जी, किन से मिलना है आपको? मुझे अंबर से मिलना है, बुला देंगे उन्हें। जी अंबर। शंभू काका जी, कौन है? पता नहीं कौन है। अच्छा ठीक है, आप जाइए। जी यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे अंबर से मिलना है, बुला दीजिए उन्हें। क्यों? वो बात तो हम आपके घर पर खत्म कराए थे ना, फिर आप क्या बात करने आई हैं? वो आपके अंबर नहीं है, वो मेरा सिद्धार्थ है। और नागपुर में आप लोगों ने जो ड्रामा किया उसकी वजह से वो अब तक नॉर्मल नहीं हो पाया, और आप फिर आ गई उसकी टेंशन बढ़ाने के लिए। देखिए, मैं यहाँ किसी को टेंशन देने नहीं आई हूँ, ना ही किसी को हर्ट करने आई हूँ। उस आईने पर चढ़ी मिट्टी हटाने आई हूँ जो कभी मेरा हुआ करता था। मिट्टी हटते ही फिर से मेरा हो जाएगा। For God's sake, मैंने कितनी बार कहा है आपसे, वो आपके अंबर नहीं है, वो मेरे सिद्धार्थ हैं। He's my husband, he's my life। वो अंबर ही है, मेरा रोम रोम पहचानता है उनको। एक माँ बाप की आंखें धोखा नहीं खा सकती, या वो भाई जो बचपन से उनके साथ खेले हों, वो अपने भाई को पहचानने में धोखा नहीं खा सकते। नागपुर से आने के बाद आप ही ने बताया ना, वो अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाए हैं। एक बार सोचने की कोशिश तो कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर यहाँ अंबर नॉर्मल नहीं है तो वहाँ नागपुर में भी कोई नॉर्मल नहीं है। हमारे अंबर हमें मिलने के बाद भी नहीं मिले, इसलिए कोई नॉर्मल नहीं है। आप बता सकती हैं क्यों? गेट आउट, चली जाइए आप यहां से। मैं आपको दोबारा सिड से कभी नहीं मिलने दूंगी। प्लीज जस्ट गो। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही हैं? चली जाइए यहां से। मैं अंबर से मिले बिना नहीं जाऊंगी, आप समझती क्यों नहीं है? आप ऐसे मानेंगी? कहा ना अंबर से मिले बिना नहीं जाऊंगी। ये कौन इतनी जोर से चिल्ला रहा है? कौन है ये बेटा? नमस्ते, मैं नियति शास्त्री हूँ, मिस्टर अंबर शास्त्री की वाइफ। जी, मैं उन्हीं से मिलने आई हूँ, नागपुर से। जरा बुला देंगे उन्हें? जी ओके, थैंक्स। नियति की फ्लाइट को बैंगलोर लैंड किए हुए एक घंटा हो गया है। नियति का फोन तो ठीक है ना? हाँ माँ, नियति का फोन तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर कर क्यों नहीं रही है? पता नहीं माँ, लेकिन जाते हुए नियति ने मुझसे कहा था कि वो पहुंचते ही तुरंत फोन करेगी, लेकिन कल सब कुछ अपनी मर्जी का करती है। एक तो हम सबके मना करने के बावजूद बैंगलोर अकेली चली गई, ऊपर से अपना फोन भी ऑफ कर रखा है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि हम सब उसकी कितनी चिंता कर रहे होंगे, या उसे हमारी परवाह ही नहीं। नियति को इस परिवार की परवाह नहीं?
ये तुम कह रही हो? देवयानी वो जिसे लेने गई है ना बेंगलोर, वो हमारा बेटा है, हमारा बेटा अंबर। और अगर उसने फोन नहीं किया तो उसकी 10 वजह हो सकती है। तुमने कभी ये सोचा कि इस वक्त उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी? वो कैसे समझाएगी अंबर के परिवार को कि अंबर उसका पति है, कि अंबर हमारा बेटा है, कि वो सिद्ध नहीं वो अंबर है? ये कभी सोचा तुमने? आप भी एक बेटे के माता पिता हैं, समझ सकते हैं कि एक औलाद को खोने का दुख कैसा होता है। विश्वास कीजिए, सुहाग को खोने का दुख भी इससे कुछ कम नहीं होता। 8 महीने से मैं और मेरा परिवार इसी दुख से गुजर रहा था कि एक दिन अचानक सामने वो आ गया जिसका 8 महीने पहले अंतिम संस्कार हो चुका था। आप कल्पना कर सकते हैं हम सबको कैसा लगा होगा? मुझे तो जैसे उजड़ी हुई दुनिया वापस मिल गई थी। पर फिर उसने कहा कि वो अंबर नहीं, सिद्ध है, सिद्धार्थ। पर मैंने नहीं माना क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि वो मेरे अंबर ही हैं। To hell with you and your अंबर। खबरदार, अगर आपने दोबारा मेरे सिद्धार्थ को अपना अंबर कहा था, आपको शर्म नहीं आती? किसी और की पत्नी होते हुए आप किसी और के पति को अपना कह रही हैं? अगर आपको अपने पहले पति के जिंदा होने पर इतना भरोसा था तो आपने इतनी जल्दी दोबारा दूसरी शादी क्यों कर ली? अरे आप तो शादी को 7 जन्मों का बंधन मानने वाली सती सावित्री है ना, तो फिर एक जन्म में ही आपने 2-2 हस्बैंड्स बना लिए। देखो ये शरीफों का घर है, यह शादी किसी से और रिश्ते किसी से, इस टाइप की औरत इस घर में नहीं रहती। आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जब पूरी दुनिया ही मान चुकी थी कि अंबर इस दुनिया में नहीं है, दुनिया छोड़िए अंबर के माता पिता खुद ही मान चुके थे कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, मैंने तब भी नहीं माना। मैं तब भी अपने आप को सुहागन मानती रही, उनके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती रही। और जिस शादी की बात कर रही है ना, उस वक्त हालात वैसे नहीं थे, बहुत अलग थे। हमेशा के लिए अपना जीवन साथी बना लो, बस यही मैं चाहती हूँ। वो आदमी सिर्फ कहने के लिए मेरा पति है। हमारा रिश्ता मेरी सासू माँ की गलत जिद के वजह से हुआ, ये सोचकर उन्होंने थोपा कि मेरा भला होगा, मेरे होने वाले बच्चे को एक बाप का साया मिलेगा। मैं अंबर के बच्चे की मां बनने वाली हूं। मेरी नियति जी की जिंदगी में बड़ी मुश्किल से एक उम्मीद की किरण जागी है, अब प्लीज इस उम्मीद को टूटने मत देना। मैं दिल से चाहता हूं कि नियति जी को अंबर जी मिल जाए,
मैं उन्हें और इस प्यारे से परिवार को खुश देखना चाहता हूँ पापा, हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। आप प्लीज मुझे निराश मत कीजिएगा। आकाश, अरे भाभी आप, मैं रो नहीं रहा भाभी, वो तो जब भी पापा के साथ दिल की बात करता हूँ ना तो पता नहीं आंखें नम हो जाती है, बट इट्स अ गुड साइन। अब आप देखिएगा, मैंने पापा से नियति जी और अंबर जी की सिफारिश कर दी है ना, अब वो दोनों जरूर मिल जाएंगे और जल्दी इस घर में वापस आ जाएंगे, और फिर आप देखना मैं पापा के सामने खुद उन दोनों की शादी कराऊंगा। किस मिट्टी के बने हो आकाश, जिस घर में तुम जैसा बेटा हो ना उस घर में कभी मुसीबत आ ही नहीं सकती। काश हमारी नियति समझ पाती इस बात को, पर शायद उसे उसे कभी समझ नहीं आएगी, वो कभी समझ नहीं पाएगी इस बात को। इस घर में अगर आकाश को किसी ने समझा है तो सिर्फ नियति नहीं भाभी, और अब वो अपनी समझदारी की कीमत चुकाएगी। थैंक यू पापा। आपको अपनी ममता का वास्ता, बस मुझे इतना बता दीजिए कि आप उन्हें कब से जानते हैं, कहां मिले, कैसे मिले, जैसे आप सिद्धार्थ के रूप में जानते हैं उसकी असली पहचान क्या है। प्लीज मुझे बताइए। क्यों बताएं हम आपको, क्यों बताएं आपको कुछ भी, आपके लिए सिर्फ इतना जानना काफी है कि वो आपके अंबर नहीं है, वो मेरा सिद्धार्थ है, मेरा प्यार है, मेरा पति है। वो उसकी पहचान यही है और यही सच है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? कुछ ही महीनों में वो आपके लिए इतना कुछ हो गए। मैंने उनकी पत्नी के रूप में कई साल बिताए हैं, जरा मेरी सोचिए, उनकी माँ की सोचिए जो दिन रात उनका नाम ले लेकर रोती रहती है। भगवान के लिए नताशा जी, प्लीज प्लीज मुझे बताइए कि आपको अंबर कहाँ मिले, कब मिले, कैसे मिले, ऐसा क्या हुआ उनके साथ जो आज वो हमें तो क्या अपने आप को भी नहीं पहचानते। आप लोग उन्हें सिद्धार्थ कहते हैं, आपने अपनी बेटी उन्हें दी है तो उनके अतीत के बारे में कुछ तो जाना होगा। बताइए मुझे क्या अतीत है उनका। ये नहीं बेटा, सिद्धार्थ खुद अपने अतीत के बारे में नहीं जानता तो हमें कहां से पता होगा। तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया ना, अब जाओ यहां से। बेटा जी आपका नाश्ता। थैंक यू सो मच। लेकिन आज नाश्ता आप कैसे लेकर आए? नताशा ने आपको नाश्ता लेके आने की परमिशन कैसे दे दी? है कहां वो? वो नीचे हॉल में है, कोई उनसे मिलने आई है। कौन मिलने आई है? पता नहीं कौन है, मैंने तो उन्हें पहली बार देखा है। चलिए ठीक है, आप नाश्ता वहां रख दीजिए। जी। ऐसा कौन मिलने आया है नताशा से जिसके लिए उसने मुझे आज नाश्ता सर्व नहीं किया? कौन हो सकता है? आंटी जी मैं समझ सकती हूँ आपके मन में आपकी बेटी के लिए जो प्यार है, जो ममता है, वो आपको मेरे हक में फैसला नहीं लेने देगी, पर एक बार इंसानियत की नजर से सोचिए, एक पल के लिए सोचिए कि ये नियति भी किसी की बेटी है, उसकी कोख में पल रहा बच्चा उसी का है जो आजकल आपका दामाद बना हुआ है। अगर आप ये सोचेंगे कि वहां भी कोई बैठा है जो पल पल का हमारा हिसाब रखता है तो आप मेरे साथ अन्याय नहीं कर पाएंगे।
मुझे बस एक बार अंबर से मिलने दीजिए, अकेले में उनसे बात कर लेनी दीजिए, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी और आप लोगों को भी मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं ना? भगवान ना करे, लेकिन अगर कल को आपकी बेटी के साथ सेम ऐसा ही हुआ तो तब आप क्या करेंगे? अब आप मुझे कर्ज कर रही हैं? हाँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरे सिर से दूर हो जाइए नियति जी, वरना कुछ गलत हो जाएगा। नताशा जी, आप अब आप चलिए, आप निकलिए यहाँ। मैं अंबर से मिले बिना नहीं जाऊंगी। अंबर चलिए, अंबर मैं तुमसे मिले, यहाँ पर आइए। अंबर की शक्ल दोबारा कभी नहीं देखना चाहती, भले ही ये कितनी भी आवाजें लगाए, कितना भी क्यों ना गिड़गिड़ाए, लेकिन ये दरवाजा इनके लिए दोबारा नहीं खुलना चाहिए। दरवाजा खोलिए। अंबर, अंकल जी, दरवाजा खोलिए, ने भी हद कर दी मिस्टर राव। उस औरत से सिद्ध का दिन डिस्कस करने की क्या जरूरत थी? अरे वो बेचारी और नताशा, आपको अपनी बेटी की भलाई दिखाई नहीं दे रही, उस औरत की दिखाई दे रही है। दरवाजा खोलिए। देखिए मिस्टर राव, मैंने शुरू में ही आपको वार्न किया था कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी बेटी की शादी करना समझदारी की बात नहीं है, कि ना आपने ना नताशा ने किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अंकल जी, दरवाजा खोलिए। सिद्ध नताशा का पति है और हमारा दामाद, मैं उससे उसकी ये पहचान छीनने का हक किसी को नहीं दूंगी।